संसद के विशेष सत्र से पहले सियासी गलियारों में जिस एक मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी वो मुद्दा था सनातन धर्म के अपमान का। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर जैसे ही विवादित बयान दिया था तो बीजेपी ने इसे तुरंत लपक कर विपक्षी गठबंधन इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी संसद के सत्र से पहले विपक्ष पर पूरी तरह से इस मुद्दे को लेकर हावी रही, लेकिन जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ देखते देखते सारी सियासी हवा लगभग पलट सी गई। सनातन विवाद से शुरू हुई सियासत संसद का विशेष सत्र खत्म होने तक कैसे जातिगत जनगणना और ओबीसी कोटे पर आ गई, इसे समझते हैं। दरअसल संसद के विशेष सत्र शुरू होने से पहले तरह तरह की अटकलें थी, लेकिन जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ इस बात का खुलासा हो गया कि ये सत्र महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बुलाया गया है। बीजेपी की ओर से इस बिल को काफी ऐतिहासिक बताया गया, जिसके बाद बिल को लेकर चर्चा और बहस दोनों तेज हो गई। इस बीच जब बिल संसद में पेश हुआ तो सबकी नजरें कांग्रेस पर टिकी थी। सवाल था कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बिल को अपना समर्थन देगी। संसद में जब इस बिल पर बहस की शुरुआत हुई तो कांग्रेस पार्टी ने अपना सालों पुराना स्टैंड बदल लिया और बिल को समर्थन देते हुए बिल में ओबीसी कोटे की मांग भी रख दी। कांग्रेस की ओर से इस बिल पर लोकसभा में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ओबीसी कोटे के साथ जातिगत जनगणना का मुद्दा बड़ी प्रमुखता से उठाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग कि यह बिल फौरन अमल में लाए जाए, लेकिन 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 इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की दिया। सोनिया गांधी के बाद जब राहुल गांधी को महिला आरक्षण पर बोलने का मौका मिला तो राहुल गांधी पूरी लिस्ट के साथ संसद में हाजिर हुए और ओबीसी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। ये आप बदलिए, ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ओबीसी कोटे की मांग रखी गई। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अपना 2010 का स्टैंड भी बदल लिया। राहुल गांधी ही नहीं बल्कि विपक्षी खेमे के तमाम नेताओं ने महिला आरक्षण के बहाने बीजेपी को ओबीसी विरोधी कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। विपक्षी गठबंधन इंडिया आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में जातिगत जनगणना के मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रणनीति बना रहा है और संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण के मुद्दे पर उसे लेकर काफी आक्रामक होने का भी उसे मौका मिला, क्योंकि बीजेपी ने कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था नहीं रखी है। इस पूरे बिल पर चर्चा के दौरान महिला आरक्षण और ओबीसी, ये दो मुद्दे राजनीतिक विमर्श में इस तरह छाए कि सनातन का मुद्दा काफी पीछे छूट गया। इसके साथ ही विपक्ष ने ओबीसी के मुद्दे पर सरकार को घेर कर पूरा नैरेटिव बदलने की भी कोशिश की। माना जा रहा है कि ओबीसी कोटा और जातिगत जनगणना का मुद्दा विपक्ष की सूची समझी रणनीति का हिस्सा था। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया के तमाम दल शुरू से ही जातिगत जनगणना के पक्ष में है, जिस पर अभी तक बीजेपी का स्टैंड साफ नहीं है और माना भी जाता है कि बीजेपी मोटे तौर पर इसके खिलाफ ही रही है। इस बीच संसद का सत्र खत्म होते होते विपक्षी गठबंधन इंडिया ने न सिर्फ सियासत का मुद्दा बदल दिया बल्कि कोटे के अंदर कोटे की मांग कर नई सियासी मांग को तेज कर दिया। हिंदुस्तान के सेक्रेटरी 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं,